खुशी खड़ी रखे ना एक खड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। डैडी जो जगह खाली छोड़कर गए उस पर मैं किसी को बैठने नहीं दूंगा, आपको भी नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? अकल की बात करो ऋषभ, तुम अभी बहुत छोटे हो, बिजनेस के उतार चढ़ाव नहीं समझ पाओगे और ना ही संभाल पाओगे। मेरी जिंदगी में सिर्फ केशव नहीं मरा, कहीं दोस्ती भी मर गई। मैं अकेली हूं ये तो पता था, लेकिन किसी छूत की बीमारी की तरह सब के सब मुझे इस तरह अकेले छोड़ देंगे ये मालूम नहीं था मुझे। ऋषभ और स्मिता ना एक दिन एक हो जाएंगे और वो दिन तुम्हारी जिंदगी का वो दिन कभी नहीं आएगा। निशी एक ही तो है जिसके साथ मैं शादी करूंगी और वो है ऋषभ। मुबारक हो। थैंक यू। मगर क्यों मम्मी? मुबारक हो। तेरी बहुत खुशकिस्मत है बब्बू, मुझे तो उससे जलन हो रही है। रश्मि क्या बकवास कर रही हो तुम, मेरी कोई मम्मी नहीं हुई, यू अंडरस्टैंड? एक खबर तो यही है कि तुम्हारी मम्मी बबली से हुई है। व्हाट नॉनसेंस रश्मि। डार्लिंग फाइलों से नजर नहीं हटती तुम्हारी? नजर के साथ साथ दिमाग भी फाइलों में ही लगा हुआ है। आजकल तुम मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, मुझे बहुत बुरा लगता है। ये बात नहीं है निशी, आज तक क्या मैं कभी तुम्हारा जन्मदिन शादी की सालगिरह भूला हूं? तुम सुबह जो चाहती हो वो शाम तक पूरा कर देता हूं, क्लब से बाजार से जहां से तुम जो लाने को कहती हो सब ले आता हूं। फिर शिकायत क्यों? ये मेरी शिकायत नहीं है महीन। तो फिर क्या है? जब एक पत्नी अपने पति से कहती है कि मेरी तरफ देखो तो उसका मतलब और भी बहुत कुछ होता है, समझने की कोशिश करो तुम। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। कुछ खरीदना चाहती हो क्या? गहने, कपड़े, पेंटिंग्स, क्या चाहती हो? ये सब तो मैं तुमसे बिना पूछे खरीद लेती हूँ, अपना हक समझ कर। तो फिर क्या, क्या मैं तुम्हारी, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे बालों की, तुम्हारी नेल पॉलिश की तारीफ कम करने लगाऊं क्या? ये बात नहीं है महीन, तब तक तुम्हें बात खोलकर समझानी पड़ेगी। बोलो। महीन, बेडरूम में एक पति का फाइलें देखना और सोने के अलावा और भी बहुत काम होता है। काम? हाँ काम, बंद करो उसको। क्या मैं वही समझ रहा हूँ जो तुम कहने की कोशिश कर रही हो? जी हाँ, आप बिल्कुल वही समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ। महीनों हो गए महीन, तुमने मुझे छुआ तक नहीं। ओहो निशी, ना डोंट एग्जैजरेट, तुम बहुत बड़ा चढ़ा कर बात कर रही हो। ठीक है, शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें पहले का जमाना याद है जब हम कम से कम पहले हम जवान थे, उम्र के साथ साथ कुछ घटता भी है। Try and understand. मैं तो अपने आप में अभी भी जवानी महसूस करती हूँ। महीन, क्या तुम्हें मैं ऐसी नहीं लगती जिसे चाह जाए सराहा जाए? निशी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बल्कि तुमसे ज्यादा अट्रैक्टिव औरत मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। महीन, सिर्फ कहने सुनने से काम नहीं चलता है। सुबह घर से जाते वक्त जब तुम आराम से सोई होती हो मैं हमेशा तुम्हें गुड बाय किस करके जाता हूँ। और बहुत कुछ चाहिए महीन, तुम्हारा दिमाग क्या बर्फ हो गया है? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पत्नी होने के नाते मेरा कुछ हक है तुम पर और मेरी कुछ जरूरतें भी हैं। अगर मेरी जरूरतें पूरी ना हो तो मेरे अंदर की औरत को ऐसा लगता है कि तुम उसका अपमान कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है निशी, थकावट और टेंशन जिस्म के साथ साथ इरादे को भी तोड़ देती है, नींद के अलावा और कुछ नहीं सूझता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे कम प्यार करता हूँ। महीन, खाने की भूख को हवा पानी से नहीं मिटाया जाता, उस वक्त खाना ही चाहिए होता है। तुम्हारे दिमाग में क्या टेंशन, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। ऐसी हालत में तो मैं ये सोचूंगी कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और औरत है। व्हाट? नाउ डोंट बी सिली। दूसरी औरत और मेरी जिंदगी में? अरे बाबा, वक्त का है, एनर्जी का है। कुछ भी हो, तुम्हारे उम्र के आदमी को इतने दिन साधु संत बने रहना असंभव है। किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही नाटक कर रही हो।
बिल्कुल बच्चों की तरह। मुझे टालो मत महीन, ना मैं तुम्हारी तरह बर्फ बन सकती हूँ और ना बनना चाहती हूँ। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा सारा दिन बहुत खराब गया, इसलिए रात के वक्त तुम मुझे परेशान कर रही हो। और मैं जो हर रात परेशान होती हूँ उसका कुछ नहीं, तुम तो पलंग पे लेटते सो जाते हो और मैं सीलिंग देखते देखते सारी रात गुजार देती हूँ। तो फिर एक काम करो, कोई स्पोर्ट खेलना क्यों नहीं शुरू कर देती? मेरा मतलब है स्क्वाश, बैडमिंटन। तुम चाहते हो कि तुम्हारी जगह मैं स्क्वाश और बैडमिंटन को दे दूं? माफ करना, इट्स अ वेरी पुअर सब्स्टिट्यूट। मुझे एक जीते जागते इंसान की जरूरत है, समझे? इस वक्त तो बाकी बहुत नींद आ रही है, ऐसा करते हैं इस विषय में सुबह बात करेंगे। और हाँ, ये कुछ रुपए अपने लिए अंगूठी खरीद लेना, बहुत दिनों से तुम्हें तोहफा नहीं दिया। आज थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैव सम मोर चिकन सुधाकर? या थैंक यू। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं थी या वजन कम करने के लिए खाना पीना छोड़ा हुआ था? नहीं नहीं, तबीयत बिल्कुल ठीक है। अकेला आदमी अब तुम पर ज्यादा ध्यान कहां दे पाता है, अकेले का जीना क्या होता है तुम तो अच्छी तरह जानती हो। कभी खाया कभी बिन खाए सो गए, आंसू मुस्कुराहट सुख दुख ये सब बातें तभी अच्छी लगती हैं जब कोई साथी हो। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सुधाकर, मेरी तरफ ही देखो ना, जब से केशव गया है मुझे डिनर का ख्याल ही नहीं रहता। मम्मी और बच्चे हैं लेकिन वो बहुत जल्दी खा लेते हैं और मैं काम पर से आते आते थक जाती हूँ। बच्चे सो चुके होते हैं, मम्मी टीवी देख रही होती है, फ्रिज में तो बहुत खाना होता रहता है लेकिन मुझे ना इच्छा होती है ना हिम्मत, एक गिलास दूध पीकर ही सो जाती हूँ। इसके बावजूद भी तुम कमाल के लग रही हो, तुम्हारा हुस्न और सेहत दोनों को नजर लगने का मुझे डर लगता है। सुधाकर तुम हमेशा से मेरे बारे में बहुत मीठी बातें कहते हो, कभी कभी शर्मिंदगी होती है लेकिन कभी कभी अच्छा भी लगता है। तुम्हारे बारे में मेरी जबान पर आने वाला हर लफ्ज मेरे दिल की आवाज होती है। केशव की मौत ने जो जगह खाली की है तुम्हारी जिंदगी में, उसे शायद बिजनेस ने ले लिया है। खैर, तुमने मुझसे कोई सलाह मशवरा तो किया नहीं, फिर भी ये पूछने का दिल कर रहा है तुम्हारे बिजनेस का क्या हाल है? ठीक ही है, अभी कुछ दिन पहले मुझे मेरा पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है, बहुत बड़ा नहीं है लेकिन शुरुआत के लिए बहुत बुरा भी नहीं है। सूरज ने दिलवाया? मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है और ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इस बात पर तो जश्न मनाना चाहिए, मुझे तुम पर नाज है इस बतलाना। जो कुछ भी तुमने अपने बलबूते हासिल किया है ये बड़ी फक्र की बात है। तुम सूरज को बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, वो है ही ऐसा, लेकिन मेरा उसके साथ इसका उल्टा है। बहुत मदद की उसने मेरी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी उसने किया या कर रहा है वो तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए कर रहा है। वो बहुत चालाक है, एक नंबर का शैतान है, तुम्हें किसी खास मकसद के लिए वो इस्तेमाल करेगा, उस वक्त होशियार है ना। लेकिन सुधाकर तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर रही? मैं भी कोई देवी या महान आत्मा तो हूं नहीं। कम अज कम तुम अपने आप को मेरे सामने इतना छोटा मत करो, तुम देवी नहीं हो, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम इतनी खुली बेईमानी नहीं कर सकती, तुम सफेद झूठ नहीं बोल सकती। सुधाकर, सूरज ने मेरे साथ कोई बेईमानी नहीं की, उसने बिजनेस के सर्कल में लोगों से मेरी पहचान करवाई, बहुत से मालिकों को जानता है, मुझे उनके पास ले गया, उनसे मिलाया। ये सब के लिए तुम्हें सूरज की जरूरत नहीं थी, इन तमाम लोगों को तुम खुद अपने अंदाज से मिल सकती थी, इनसे मिलकर बिजनेस करके खुशी होती, ये मत भूलो सोच लाना।
तुम्हारा अपना नाम है, इस समाज में तुम्हारी अपनी जगह है। मैं ख्याली दुनिया में नहीं रहती हूँ सुधाकर, मैंने हकीकत को समझना सीख लिया है। मैं जानती हूँ कि केशव की मौत के बाद मुझे पार्टियों के इन्विटेशन क्यों नहीं मिलते, किसी का फोन क्यों नहीं आता है, और क्यों मेरे फोन कॉल्स के लोग जवाब नहीं देते। मैं जिंदा हूं या मर गई हूं किसी को भी परवाह नहीं, और इसलिए मैं किसी की परवाह नहीं करती हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम किसी की परवाह करो, ये तो दुनिया का दस्तूर है। अगर तुम कुछ हो सारी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगी, अगर तुम कुछ नहीं हो तो तुम्हें कोई पलट कर नहीं देखेगा। इन तमाम बातों के बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि तुम सूरज से दूर रहो। उसकी दोस्ती में भी जहर है, उसके दुश्मनी में भी जहर है। वो तुम्हारी रेपुटेशन को एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, और इसके लिए अगर मुझे सूरज की मदद लेनी पड़ेगी तो लूंगी। मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना है। स्वेतलना, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी उम्र, तुम्हारी सूरत, सब तुम्हारे हक में है। तो कोई वजह नहीं कि तुम्हें कामयाबी ना मिले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम सूरज को दूर रखो। तुम्हें आगे चलकर इस बात का एहसास होगा कि तुमने पाया कम मगर खोया ज्यादा। हेलो बेबी, कहो डार्लिंग, कैसी हो? आई एम सॉरी, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे डरपोक बाप ने तुम्हें धमकाया क्या? डर गया होगा साला कि कहीं अखबार वालों को तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में पता न चल जाए। बात इससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मैं नहीं जानती मैं क्या करूँ। तुमसे बात करने को, मिलने को सख्त मना किया है। तुमसे मिलना सख्त जरूरी है। अरे दो चार मिनट प्यार की बातें करेंगे, छकास सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, मैं जानती हूँ कुछ ठीक नहीं होगा। शायद तुमने सुना नहीं, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, और अगले हफ्ते मम्मी के साथ लंदन भी जा रही हूँ। मोहब्बत तो मुसीबत नहीं हो सकती, है ना? हाँ, अगर कोई दूसरा लफड़ा है तो अपने को बोलो। तुम तो जानती हो इस शहर में मैं कुछ भी कर सकता हूँ और करवा सकता हूँ। हाँ, अगर कॉलेज की कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बोलो। ये कॉलेज की नहीं, मेरी जाती प्रॉब्लम है, और अब ये मेरे और मेरे माँ बाप के बीच है। क्या कोई पढ़ाई वढ़ाई का लफड़ा है? अरे अगर कोई डिग्री चाहिए तो अपने को बोलो। मैं कोई भी कॉलेज की, कोई भी यूनिवर्सिटी की, कोई भी साल की बिना एग्जाम दिए डिग्री दिलवा सकता हूँ, ये तो तुम जानती हो। मैं इम्तिहान और डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ, इस सारी मुसीबत की जड़ मैं और तुम हो। ओह, तो सीधी तरह से कहो ना कि तुम्हारे माँ बाप ये सोच रहे हैं कि कहीं लोगों को मेरे बारे में पता चल गया तो तुम्हारी शादी की मार्केट ना गिर जाए। अरे तुम्हारे माँ बाप से कहो कि वो चैन की नींद सोए, तुम्हारी लिए लड़का मैं ढूंढूंगा, किसी अरबपति की उल्लू औलाद। बस तुम खानदान देखकर मुझे बता देना, दूल्हे और बारात को सीधा तुम्हारे घर लेके आऊंगा मैं। तुम अपने ताकत के नशे में इस कदर चूर हो कि तुम्हें सच नजर ही नहीं आता। काश मैं उस दिन अकेली तुम्हारे साथ वो बंगले में नहीं गई होती। हाँ, अकेला ले जाकर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब प्लीज कुछ मत करो, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। समझा, अब मैं समझा। तुम बेफिक्र रहो रितु, मैं इस बीमारी के सबसे बड़े डॉक्टर को अच्छी तरह से जानता हूँ। कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। एक बार डॉक्टर की जेब में रुपया गया, बदन से बोझ बाहर निकाल दिया जाएगा। हाय लवली लेडी, खूबसूरती और मेहनत का संगम इतना हसीन हो सकता है ये मैं नहीं जानता था। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूं, जिसकी पूजा होनी चाहिए, जिसे सर आंखों पर बिठाना चाहिए, उसे काम करता देख लगता है जैसे मर्द जात का अपमान हो रहा। सूरज, ऐसी भी कोई जगह होती है जहां तुम फ्लर्ट नहीं करते? नहीं, क्यों ना करूं? खूबसूरत औरत के साथ फ्लर्ट करना तो मर्द के दिमाग के लिए टॉनिक होता है।
और मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कहाँ करता हूँ? मैं तो सिर्फ हकीकत बयान करता हूँ। वैसे तुमने दर्शन किस लिए दिए तो बताओ। थोड़ा काम, ज्यादा खुशी। वैसे भी मैं तुमसे मिलने के लिए बहाने ढूंढता रहता हूँ। आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस टू मीट यू। तुम तो जानती हो मेरे जज्बात तुम्हारे लिए क्या है। तुम्हारे लड़कपन छप जाता है। देखो ना तो तुम 19 के हो और ना मैं 16 की। तो ये सब छोड़ो और काम की बात करो। यहाँ तो सब ठीक ठाक चल रहा है इंशाल्लाह। कोई भी मर्द हो, किसी भी उम्र का हो, तुम्हारे आगे खड़ा नहीं रह सकता। वैसे ये तो मानना पड़ेगा तुम हिसाब किताब में बहुत अच्छी हो। केशव से मिलने से पहले मैं अपना सारा हिसाब किताब खुद रखती थी और पहले पति की गैरेज का हिसाब भी मेरे हाथ में था। उसके ऊपर मॉडलिंग का जो पैसा आता था उसका भी अकाउंट रखती थी। ये सब तो हालात ने सिखाया मुझे। और फिर शुरू से मम्मी भी मेरे साथ ही थी ना, तो उनकी जिम्मेदारी भी मेरे सर पर ही थी। तो तुम्हारे पिता की मौत के बाद तुम बहुत छोटी रही होंगी। 15 की थी, 16वीं में कदम रख रही थी, इसलिए स्कूल छोड़कर मॉडलिंग में जाना पड़ा। उस जमाने के बारे में सोचकर भी डर लगता है। मैं थी, मम्मी थी, हालात के सिलसिले, जिंदा रहने की मुश्किलें, पैसे पैसे के लिए मोहताज रहते थे और जो जहां से भी मिलता था ना उसी से गुजारा कर लेते थे। तो इसका मतलब तुम्हारे डैडी ने तुम्हारे लिए कोई सिक्योरिटी, पेंशन या लाइफ इंश्योरेंस वगैरह नहीं छोड़ा? मेरे डैडी ट्रेड यूनियन के लीडर थे और जब उनका कत्ल हुआ तब किचन में एक वक्त का खाना पकाने के लिए भी कुछ नहीं था। याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारा एक भाई भी था? मुझे और मम्मी को उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। दरअसल वो डैडी की मौत से एक साल पहले घर छोड़कर चला गया, गायब हो गया था। गायब हो गया? किसी भी परिवार का वो इंसान ऐसे कैसे गायब हो सकता है? पागलपन की बात है लेकिन सच है। एक रात लेनिन और डैडी के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। लेनिन ने शराब पी रखी थी इसलिए गर्मा गर्मी बहुत बढ़ गई। डैडी ने लेनिन को घर से निकाल दिया और उससे कहा कि कभी सूरत मत दिखाना, तो वो चला गया और कभी वापस नहीं लौटा। मम्मी की खातिर डैडी ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की उसके बाद, लेकिन वो मिला नहीं। मम्मी अभी भी मानती है कि वो जिंदा है लेकिन मैं समझती हूँ कि नहीं होगा। क्या तुम्हारी लेनिन से बहुत पटती थी? हाँ बहुत, वो मुझे बहुत प्यार करता था। लेकिन जब वो डैडी के अंतिम संस्कार के वक्त भी नहीं आया ना, तो मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी। उसका इंतजार करना, उसके बारे में सोचना, सब छोड़ दिया मैंने। तुम बहुत टेंस लग रही हो दीदी, सब ठीक तो है ना? लंदन जाने की परेशानी है क्या? डोंट वरी, मम्मी पापा है ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम चाहो तो मैं कॉलेज से 10 दिन की छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ लंदन चल सकती हूँ। नहीं नीतू, मुझे लंदन की बिल्कुल चिंता नहीं। मैं जानती हूँ कि मम्मी साथ है तो सब ठीक ही होगा। तुम कितनी दुबली हो गई हो दीदी, मैंने सुना तुमने उल्टी की थी। तुम आजकल ठीक से खाती भी नहीं हो। न भूख लगती है, न खाने को मन करता है और न ही कुछ अच्छा लगता है। मैंने तुम्हें रोते हुए सुना था दीदी, उसके फोन के बाद। क्या कह रहा था वो फोन पर? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, उसने अंदाजा लगा लिया। पहले तो बुद्धू बना रहा लेकिन फिर समझ गया। मैं उससे नफरत करती हूँ, उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती मैं। उसकी बातों ने तो मुझे शॉक कर दिया। मुझे अपनी ये हालत इतनी बुरी नहीं लगी जितनी उसकी बात है। इतना नीच है वो, इतना कमीना है। मैं डैडी से सब कहूंगी, फिर देखना डैडी उसे कैसे ठीक करते हैं। डैडी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उल्टा वो हमारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। तुम उसे नहीं जानती नीतू, वो बहुत ही ताकतवर और खतरनाक किस्म का आदमी है। मैं नहीं चाहती कि हम में से किसी को भी कोई तरह का नुकसान हो। मैं उसे जान से मार डालूंगी, मैं सच कह रही हूँ दीदी, मैं उसे जान से मार डालूंगी। और वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। तुम सिर्फ इतना बताओ कि उसने कहा क्या।
जो कहा वो ठीक था, लेकिन जिस तरह कहा वो ठीक नहीं था। इतने इत्मीनान से बात कर रहा था जैसे मेरी जैसी लड़कियों के रोज अबॉर्शन होते हो। इतनी आम बात है जैसे खाना खाना या सोना। मैं नहीं जानती मैं क्यों उससे मिली, क्यों उसे चाहा मैंने। रिलैक्स दीदी, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है भाई, ये क्या रो रहा है? हाँ जो हो गया सो हो गया, समझे? अपने आप को संभालो, जाओ बाथरूम में जाकर अपना मुंह धो, लंदन जाने की तैयारी करो। कम ऑन। मम्मी मैं भी आप लोग के साथ लंदन चलती हूँ। मैं जानती हूँ दीदी को मेरी जरूरत पड़ेगी। क्यों, तुम्हारी वहाँ क्या जरूरत है? तुम यहाँ बैठकर अपने एग्जाम्स की तैयारी करो, समझे? और तुम्हारे डैडी को भी ये बात पसंद नहीं आएगी, तुम हमारे साथ चलो। एक ने मुंह काला किया और सारा परिवार मुंह धोने के लिए परेशान है। मम्मी प्लीज अब हम लोगों से इस तरह से बात मत कीजिए। क्या करूँ, मेरे बात करने का अंदाज ही ऐसा है। अब तक तुम दोनों को समझ जाना चाहिए कि मैं कोई दोगुली माँ नहीं हूँ। मुसीबत के वक्त मैं ही तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, समझे? लेकिन आप अपने फ्रेंड्स के साथ तो इस तरह बात नहीं करती। उनके साथ तो आप बहुत ही अच्छी तरह बात करती है। घर में आती आपको टोन, आपका अंदाज क्यों बदल जाता है? मम्मी हो जा रही तुम, मुझे तुम्हारे भाषण सुनने की जरूरत नहीं, समझे? पहले तुम मुंह काला किया, अब मेरी जबान पर नुक्ताचीनी कर रही हो। जस्ट शट अप। हर वक्त जरूरत के लिए कभी ममता के लिए भी माँ बन जाया करो। मम्मी इस घर के अंदर तो आप ऐसा कर ही सकती है। अगर इस घर में हमें ममता के साथ माँ मिली होती तो ऐसा नहीं होता। Stupid girl!